हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। ये हमने एक कटोरी सूजी ली है, ये बारीक वाली सूजी है, आप चाहे मोटी भी ले सकते हैं। ये है 2/3 कटोरी चीनी है, ये 2/3 कटोरी घी है, ये है सूखा नारियल जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है, ये है बादाम जिसको हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, ये है काजू इनको भी हमने काट लिया है, और ये है किशमिश। चलिए बनाते हैं सूजी का हलवा। कढ़ाई को हमने मीडियम फ्लेम पर रख लिया है, अब हम इसमें घी डालेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम सूजी डालेंगे और सूजी को ब्राउन होने तक भूनेंगे। सूजी को हम मीडियम हाई फ्लेम पर ब्राउन होने तक भूनेंगे। सूजी हमारी ब्राउन हो गई है, ये भून चुकी है, अब हम इसमें 2.5 कटोरी पानी ऐड करेंगे। पानी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। और इसको अच्छे से मिलाएंगे। हलवे में चीनी मेल्ट हो गई है, हलवे को हम ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़ दे। हलवा कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, ये काजू है, ये बादाम डाल रहे हैं, ये नारियल है कद्दूकस किया हुआ, ये किशमिश है। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।